पितृपक्ष 2022 10 सितंबर 2022 से शुरू हो चुके हैं, जो 25 सितंबर 2022 तक चलेंगे। इन दिनों में श्राद्ध, पिंडदान और तर्पण करके पूर्वजों को ये बताया जाता है कि आज भी वे परिवार का हिस्सा है। पितृपक्ष में सनातनी अपने पितरों को तारने के पिंडदान की परंपरा निभाते हैं, लेकिन क्या आपने सोचा है कि प्रेत बाधा और अकाल मृत्यु वाले पितरों की आत्माओं को मुक्ति कैसे मिल सकती है? मान्यताओं के मुताबिक प्रेत बाधा और अकाल मृत्यु से होने वाली परेशानियों से मुक्ति दिलाने के लिए काशी नगरी में एक कुंड के पास खास अनुष्ठान करने से भटकती आत्माओं को मुक्ति मिलती है। यही कारण है कि हर साल पितृपक्ष के दौरान देश भर से लोग काशी पहुंचते हैं और पूर्वजों की भटकती आत्माओं के लिए खास अनुष्ठान करते हैं। मान्यताओं के मुताबिक मोक्ष नगरी काशी में एक खास कुंड है, जहां पर पितृपक्ष के दौरान अनुष्ठान, श्राद्ध और तर्पण करने से पितरों को मुक्ति मिल सकती है। तो आइए, वे कुंड कौन सा है इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। मान्यताओं के मुताबिक पितरों यानी पूर्वजों को अकाल मृत्यु और प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने के लिए मोक्ष नगरी काशी में चेतगंज थाने के पास एक कुंड है, जिसे पिशाच मोचन कुंड कहा जाता है। इसके बारे में कहा जाता है कि पिशाच मोचन कुंड पर त्रिपिंडी श्राद्ध करने से और अकाल मृत्यु से होने वाली व्याधियों से मुक्ति मिल जाती है। पितरों की तिथि को मृत्यु हुई थी, अनुष्ठान और श्राद्ध उसी तिथि को होता है। गरुड़ पुराण में भी पिशाच मोचन कुंड का जिक्र मिलता है। बताया जाता है कि ये कुंड गंगा के धरती पर आने से पहले का है। यहाँ पर पितृपक्ष के दौरान अतृप्त और अशांत आत्माओं का श्राद्ध किया जाता है। मान्यताएं बताती हैं कि जिनकी अकाल मृत्यु हुई है उन लोगों के लिए देश भर में सिर्फ पिशाच मोचन कुंड में ही त्रिपिंडी श्राद्ध होता है, जिससे उन्हें मुक्ति मिलती है। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें।